टाइम मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इस तरह पहली बार बंक कर रही हूँ। बस कर दो ऐशल, तुम रोज तो कोचिंग से बंक करती हो। सर कोचिंग क्लास के एक दो घंटे में और कॉलेज के पाँच घंटे के बंक में बहुत फर्क होता है। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर हमारे घर में से किसी ने देख लिया हमें यहाँ फिर क्या होगा। यार मुझे तो बस दूर है आपका डर है। कल जब मैं अपने दोस्त के घर से निकला था ना तो उसने मुझे देख लिया था। अच्छा फिर? वो तो झूठ बोल के जैसे भी मैंने उन्हें टाल दिया, लेकिन अब थोड़ा एहतियात करूंगा। मुझे बात तो तुम समझो ना फिर साईं। वैसे तुम तो मेरी दोस्त हो और सबको ये पता है, अब तो तुम मेरे घर भी आ सकती हो। घर पर? तो फिर? तो फिर हम घर पर मीटअप करेंगे। अच्छा तो तुम मुझसे मिलने के लिए इतना रिस्क ले रहे हो? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे तुम्हारी भाभी कैसी है, वो तुम्हारे साथ तो अच्छी है ना, क्या वो भी दूरे ने आपकी तरह तो नहीं है? More like yes. तो फिर तुम कैसे संभालती हो? उनके बारे में तो मत ही पूछो तुम सायम। मुझे अम्मी की एक बात पर ना बहुत गुस्सा आता है, मुझे हर वक्त उनके साथ कंपेयर करती रहती है। बस भाभी को ना हर वक्त अपने नंबर बनाने का शौक है और अपनी तारीफ करवाने का। लेकिन ऐशल अब तुम्हें उनसे बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन क्यों यार? ताकि हमें मिलने में मसला ना हो और वो तुम्हारा साथ दें। अच्छा अब ये भी करना पड़ेगा। मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना? तो कर सकती हूँ। चलो खाना खत्म करते हैं। क्वालिटी एंटरटेनमेंट यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो यू मस्ट सब्सक्राइब टू आन टीवी यूट्यूब चैनल। आन अ वेरी वेरी हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी।